हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम खान, आपका अंग्रेजी ट्रेनर। उज्जवल इजी इंग्लिश के क्लास 8 में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले लेते हैं पिछले लेसन का एक क्विक रीकैप। पिछले क्लास में हमने वर्ब के सभी फॉर्म्स के बारे में सीखा, जैसे कि नंबर 1, अंग्रेजी में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। नंबर 2, अंग्रेजी में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। नंबर 3, अंग्रेजी में 90% वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उन वर्ब के अंत में एडी जोड़ते हैं। नंबर 4, अगर वर्ब के अंत में ई होता है तो उस वर्ब को डी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, और अगर उसी वर्ब को आईएनजी जोड़ना है तो पहले हमें ई को ड्रॉप करना है, उसके बाद ही वर्ब को आईएनजी जोड़ना है। नंबर 6, अंग्रेजी में 10% वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है। नंबर 7, अंग्रेजी के सभी टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लास में हम वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म के प्रोनंसिएशन यानी के उच्चारण के बारे में सीखेंगे, साथ में वर्ब्स के फॉर्म्स कहां यूज होते हैं यह भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर आई, प्रोनंसिएशन यानी के उच्चारण। नंबर 1, जब हम वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब को ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण अंत में हल्का सा ठर लगाकर करना है, जैसे कि टू कॉल। जब हम इसे ईडी जोड़ेंगे तब उसका उच्चारण कॉल की बजाय कॉल्ड ऐसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, टू आस्क। जब हम इसे भी ईडी जोड़ेंगे तब उसका उच्चारण आस्क्ड की बजाय आस्क्ड ऐसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, टू वॉक। जब हम इसे भी ईडी जोड़ेंगे तब उसका उच्चारण वॉक्ड की बजाय वॉक्ड ऐसे करेंगे। नंबर 2, अगर वर्ब के अंत में डी या डी होता है और हम उस वर्ब को ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण अंत में डेड लगाकर करना है, जैसे कि टू डिमांड। जब हम इसे ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण डिमांडेड ऐसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, टू डिसाइड। जब हम इसे ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण डिसाइडेड ऐसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, टू डिवाइड। जब हम इसे भी ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण डिवाइडेड ऐसे होता है। देखिए, इन सब वर्ब्स के अंत में डी या डी आया है, इसलिए हमने इन्हें ईडी जोड़ने के बाद उनका उच्चारण अंत में डेड लगाकर पूरा किया है। नंबर 3, अगर वर्ब के अंत में टी या टी होता है और हम उस वर्ब को ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण अंत में टेड लगाकर पूरा करना है, जैसे कि टू सिलेक्ट। जब हम इसे ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण सिलेक्टेड ऐसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, टू कलेक्ट। जब हम इसे ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण कलेक्टेड ऐसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, टू इनवाइट। जब हम इसे भी ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण इनवाइटेड ऐसे होता है। देखिए, इन सब वर्ब्स के अंत में भी टी या टी आया है, इसलिए हमने इन्हें ईडी जोड़ने के बाद उनका उच्चारण अंत में टेड लगाकर खत्म किया है। अब समझते हैं सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का कहां पर यूज करना है। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल मुख्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। नंबर 2, सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। नंबर 3, थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नंबर 4, फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नंबर 5, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल सभी प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।